हरदा जिले की हंडिया तहसील क्षेत्र में बस स्टैंड के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक एटीएम मशीन से छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया। दरअसल इस मामले में दुकान संचालक विक्रम सिंह राजपूत ने बताया कि 29 मई की बीती रात एक अज्ञात व्यक्ति एटीएम में आया और मशीन से छेड़छाड़ करने लगा, जिसके चलते ये घटना एटीएम में ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वहीं दूसरे दिन सुबह जब दुकान के संचालक ने एटीएम मशीन को अस्त व्यस्त देखा, तब उन्होंने इसके लिखित शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। ई वर्ल्ड कंप्यूटर के नाम से यहाँ दुकान है, पिछले 10 साल से एटीएम 5 साल से लगा हुआ है इटाची कंपनी का। कल रात की घटना है, मैं सुबह जब 9 बजे आया तो उसमें मोटे पुष्टे फंसे हुए थे। उसके बाद में मैंने सरपंच को बुलाया, उसके सामने पुष्टे निकाले एटीएम से, एटीएम मशीन को सुचारू रूप से चालू की। उसके बाद हमने कैमरे देखे तो कैमरे में एक कोई व्यक्ति था जो अपना छिड़का नहीं है उसको देखा। वो 11:18 की कहानी है, 3 से 4 मिनट उसने मशीन के साथ छेड़खानी की, कोडवर्ड डाले, उसके बाद उससे वो हैक नहीं हुई। उसके बाद वो एटीएम परिसर में जो पर्चियां थी उसको उठा के निकल गया। इसकी संज्ञान में हमने लिखित आवेदन थाने में दे दिया है, पुलिस ने आश्वासन दिया है उसका कार्रवाई करने के लिए।